Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all fine. Welcome to our first online class. My name is Ikhlas Ahmed and I will teach you maths and physics. Today we will discuss about the paper pattern of mathematics. तो पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स का देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास किस किस तरह के सवाल आते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं, हम वो भी देखेंगे आज इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में एमसीक्यू सबसे पहले आएंगे. अच्छा, एमसीक्यूज आएंगे हमारे पास टोटल 20, हर एमसीक्यूज का एक मार्क्स होगा. एमसीक्यूज हमारे पास हर एमसीक्यूज एक नंबर का होगा, जिसमें हमारे पास टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 20 मार्क्स के बनेंगे. अब हमारे पास अगला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का. जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जमाने में जो क्वेश्चन बनते थे वो हमारे पास 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होते थे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता था. लेकिन इस दफा अब यानी पिछले 2-3 सालों से कुछ पैटर्न को चेंज किया गया, जिसमें हर क्वेश्चन के 3 पार्ट बनाए गए, उसमें 2 पार्ट करने होते हैं. जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. हर क्वेश्चन का 3 पार्ट बनाया गया, ए बी सी. तो यहां भी बनाया गया ए बी सी और ऐसे ही तमाम क्वेश्चन में बनाया गया. कंडीशन ये है कि हर सवाल में 3 पार्ट में से हमें 2 पार्ट करने डालेंगे, यानी हर सवाल का बनेगा टोटल 10 मार्क्स और इसी तरीके से सारे बनेंगे हमारे पास 50 मार्क्स के शॉर्ट. अब हमारे पास एक डिफिकल्टी ये भी होती है कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि हमने पहले सवाल में से 1 पार्ट कर लिया, दूसरे सवाल के 3 पार्ट आते हैं, हम 3 कर लेंगे और 4 पार्ट हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए आपको हर सवाल में 3 पार्ट में से 2 पार्ट करने लाजिम है. तो पहले आपके 20 मार्क्स आपके एमसीक्यू से हो जाते हैं, फिर आपके 50 मार्क्स आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं. इसके अलावा अब हम बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं. तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कुल मिलाकर आते हैं 5 और उसमें से हमें करने होते हैं 3, जिसमें एक क्वेश्चन आपको लाजमी कंपलसरी दिया जाएगा, जिसको हम थ्योरम के नाम से जानते हैं. तो बेटा ये बात ध्यान में रखिएगा कि बालों का हर बच्चा यही करता है कि थ्योरम रट लेंगे, थ्योरम रट लेंगे, हम इसको से कर लेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे क्लॉज डाल दिए गए हैं थ्योरम में जिसको रटने के बाद अगर बच्चा कर लेता है, जैसे जैसे कुछ काबिल बच्चे ऐसे जो खाना बना के भी कर लेते हैं, खैर. लेकिन तो अगर उससे जरिए आप करते हो तो लाजमी तौर पर उसके मार्क्स कटेंगे. तो इंशाल्लाह हम थ्योरम को भी गाइड करेंगे और डिटेल में गाइड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो इसमें हमें 3 लॉन्ग करने होते हैं 5 में से, जिसमें से आपको एक थ्योरम इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक थ्योरम आपको कंपलसरी मिलेगा. इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन जो बेसिकली अगर आप देखें आपके पेपर पैटर्न में मोस्टली 20-25 मार्क्स या 26-27 मार्क्स इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, ठीक है. फैक्टराइजेशन लाजमी तौर पर आपका सवाल आएगा और उसमें उसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट में थ्योरम आ जाएंगे, इंशाल्लाह उसको भी गाइड करेंगे. और इसके अलावा चैप्टर 10 और चैप्टर 9 जैसे सवाल भी जो है लॉन्ग में एक पार्ट बनकर आ सकते हैं. तो उम्मीद है आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स के पैटर्न की बात करेंगे. थैंक यू सो मच.